उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड मेडिकल सेल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की गोरखपुर इकाई के सदस्यों ने अध्यक्ष संजय कुमार डे के नेतृत्व में दवा पर GST समाप्त किए जाने को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के गोरखपुर इकाई के अध्यक्ष संजय कुमार डे ने बताया कि पूरे भारत में दवा पर GST खत्म करने के लिए सभी जिलों में अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, क्योंकि आम नागरिक GST को लेकर बहुत परेशान है। सरकार दवा पर GST लगाकर लोगों से 18% टैक्स वसूल रही है, इसलिए हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि दवा पर GST को हटाया जाए। इस अवसर पर प्रवीण द्विवेदी, आशुतोष घोष, कॉमरेड अशोक कुमार, दिलीप सिंह, अमित कुमार गुप्ता, विनय गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य कॉमरेड मनोज भल्ला, SK पांडे, राजेश मिश्रा सहित अभिनव राय शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड मेडिकल सेल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन गोरखपुर इकाई के अध्यक्ष संजय कुमार डे ने कहा, मेरा नाम संजय कुमार डे, मैं गोरखपुर इकाई का UPMSRA गोरखपुर इकाई का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग जो है पूरे भारत में, अखिल भारत में जो है पैन इंडिया में हम लोग दवा का रिलेटेड प्रोग्राम कर रहे हैं। आम जनता इसको लेकर पूरे भारत में गरीब जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है। सरकार दवा के नाम से GST लगाकर 18% लोगों से टैक्स वसूल रहा है। दवा कोई खुशी का चीज़ नहीं है। दवा लोग जब परेशानी में आते हैं तो लोग दवा खरीदते हैं और सरकार उसमें से दवा में से भी इनकम करने में लग गए। तो मेरा विरोध है इसमें। आज का हमारा नारा है दवा का दाम कम करो और दवा से GST बंद करो, क्योंकि जिस प्रकार कोरोना के समय में लोगों को दवा, आज दवा का स्थिति ये हो गया है, जिस लोगों के घर में 500 रुपये का प्रति माह की दवा की जरूरत होता था, आज लोगों के घर में मिनिमम 3 से 4 हज़ार रुपये के हर घर में दवा जा रहा है। लोग गरीब जो है खाना नहीं खा पा रहा है, सरकार लेकिन जो है उसके ऊपर टैक्स लगाने में लगा हुआ है। मैं इसका विरोध करता हूँ, हमारे संगठन इसको विरोध करता है। मैं आम जनता के लिए ये नारा लगाना चाहता हूँ कि दवा का दाम कम करो, दवा से GST बंद करो। आज हमारा नारा के साथ हम लोग प्रधानमंत्री को ज्ञापन जो है जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं।